वफाकी हुकूमत का बड़ी ईद पर आवाम को बड़ा तोहफा, पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे मुकर्रर, डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर की कमी की गई है। नई कीमत 268 रुपए 89 पैसे हो गई। सनअतों के लिए बिजली फी यूनिट 10 रुपए 69 पैसे सस्ती। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे। 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई। वफाकी हुकूमत का बड़ी ईद पर आवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, सनअती सार्फिन के लिए बिजली भी सस्ती। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर की बड़ी कमी कर दी गई है। डीजल भी 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सनअती सार्फिन को भी बड़ा रिलीफ फराहम किया। सनअतों के लिए बिजली फी यूनिट 10 रुपए 69 पैसे सस्ती की गई। सनअत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई। वज़ीर आज़म के पैकेज से सनअतों में 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ खत्म होगा। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमू तौर पर 35 रुपए का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका है। आपको बताते हैं, वज़ीर आज़म ने सनअतों के लिए बिजली 10 रुपए 69 पैसे सस्ती करने के बाद ईद कुर्बान से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुश आइंद करार देना। शहरियों ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालिबा किया है। कम करते हैं 2 रुपए 3 रुपए पर बढ़ा 10 रुपए देते हैं बाद में, पर कहने का मकसद यही आता है कि अपना महंगाई जो है उसको कंट्रोल करें। 100 रुपए कम हो या 100 रुपए कम हो क्या फर्क पड़ेगा, गरीब बंदा तो पिस रहा है। फ्री भी कर देंगे तो फिर भी इन्होंने उस पर भी टैक्स लगा देना। 10 रुपए से वाम को कोई फायदा होता, आज 10 रुपए कम किया है कल 30 रुपए महंगा कर देंगे। ये तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है आगे शहबाज शरीफ साहब कुछ इस बारे में सोचेंगे। क्या कोई फायदा तो नहीं है, आगे ना 20 रुपए फिर बढ़ा देना है, फायदा इसका बस और सस्ता होना चाहिए। जितना इन्होंने महंगा कर दिया, 150 का था एक टाइम पे, अब सीधे इन्होंने तकरीबन 200 से कुछ का है, तो इस वजह से और सस्ता होना चाहिए। 10 रुपए अब कम कर देंगे पहली को, फिर 3 बजट जो है ठीक है पहली को फिर बढ़ा देंगे।